तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, एक बार फिर से स्वागत है नए व्लॉग में। और आज जो है 3rd of July और 12:53 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मुझे करेंसी एक्सचेंज करनी है तो मैं डॉलर्स में चेंज कराऊँगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट कंट्री है उसमें मुझे इशू ना आए, क्योंकि वहाँ पे कैश की बहुत कार्ड की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पर कार्ड नहीं सब कैश ही है। तो मैं यहाँ से डॉलर्स लेके जाऊँगा और अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ खाने के लिए और इसके बाद जाऊँगा मैं मिनीचर बुक हाउस जो है वहाँ जाऊँगा, जहाँ पे सबसे छोटे छोटे बुक्स रखी हैं, इंडियन बुक्स भी हैं, कुरान भी है, सबसे छोटा मिनीचर है, वर्ल्ड की सबसे छोटी बुकें हैं। सो चलते हैं, देखते हैं खाने के लिए कहाँ पर। पहले डोनर ले लूँगा, डोनर शॉप जाना है, उसके बाद भाई हॉस्टल में तो बहुत बुरा रहा सी, मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला और कल मुझे वैसे भी जल्दी निकलना है तो अब कल का तो वैसे भी नहीं मिलेगा मेरे को। इसका हॉस्टल का नाम है कान गर्ली गर्ल्स हॉस्टल, इस पर मत जाना कभी, भूल के भी देख लो भाई क्लियरली अगर दिखता हो तो, यहाँ पर भी दिख रहा क्लियर, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। सी नेवर बुक दिस हॉस्टल, आप निजामी स्ट्रीट के आसपास में नियर बाय में और कोई हो वो बुक कर लेना, बट मत आना, यहाँ का ऑनर ही चूतिया है, वो बात तो करेगा नहीं सही से, इवन आपका सामान भी यहाँ पे हॉस्टल में यूज़ होगा पता नहीं। मैं कल में 5 लीटर की बॉटल ले गया, आज ख़त्म हो गई तो मैंने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया। चलता हूँ फिलहाल, मूड ख़राब होने से क्या मतलब, वैसे भी कल मेरा दिन अच्छा था तो मुझे कुछ लोग मिले थे गाँव में जो मैं आपको वीडियो दिखाई है कल देखना। और भाई जिसको अपडेट चाहिए हो ना वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कंट्री का, तो आपको हर इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं मिल सकती है, वो ना ही मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आगे जाऊँगा इन्फॉर्मेशन चेंजेस होते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं तो वो मैं आगे कन्वे करते रहता हूँ हर एक नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर भाई कि आप पूरा ब्लॉग देखो, अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक वीडियो देख के कमेंट करोगे भाई कि इन्फॉर्मेशन अधूरी है या ब्लॉग में कुछ डिटेल नहीं है, तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए तो पूरी जितने भी मैंने वीडियोज़ डाले हैं उनको आप देखो, एंड इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू यू नो इंक्लूड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन सिंगल वीडियो। तो पहले कुछ खा लेता हूँ उसके बाद बात करेंगे देखेंगे। और जो मिनी बुक हाउस है वहाँ जाते हैं, ओल्ड सिटी में पड़ता है, ओल्ड बाकू सिटी में, एंड पैसे चेंज कराने हैं। तो भाई ये रही एंट्री, जो वर्ल्ड सिटी है पूरी ओल्ड बाकू की, मुझे दोबारा अंदर आना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज रूम पे चला गया था वापस पासपोर्ट लेने, पासपोर्ट था नहीं, विदाउट पासपोर्ट मनी कैन नॉट बी एक्सचेंज। घर पर गया मैं, थोड़ी देर आराम किया, बस अभी निकला हूँ, देख लो पूरी एंट्री कैसी है। नो नो आई ऑलरेडी हैव, थैंक यू यस। तो सीधे जा रहा हूँ मैं मिनी बुक हाउस पे, जो कि जहाँ पे सारे मिनीचर्स हैं बुक के। 6 बजे का क्लोजिंग टाइम था जो मैंने कल देखा था, और गूगल पे 5 बजे का दिखा रहा है, सो लेट्स सी क्लोज हो गया है क्या, देखने को मिलेगा, जल्दी ले जा रहा हूँ। अभी हो रहे हैं 5 बज रहे हैं तो कल वैसे मेरे को सुबह निकलना है अर्ली मॉर्निंग, तो मैं दोबारा यहाँ आ नहीं पाऊँगा। देख लो भाई आसपास, तो ये पूरी सिटी जो है ना बसी हुई है, एक चारों तरफ से वॉल बना हुआ है उसके अंदर, और यहाँ पे सारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं बाकू के, ओल्ड बाकू सिटी, इंडिया दिल्ली। सही भाई मिले, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू गो टू द मिनीचर हाउस लेटर दिल्ली न्यू दिल्ली। सो एक बंदा मिल गया भैया, मैं सोचा कैमरा रिकॉर्ड कर लूँगा बट रिकॉर्डिंग किया ही नहीं, उसने मना कर दिया, कह रहा पंजाब से मुंबई से, मैंने कहा अच्छा लेट्स सी एक्सप्लोर करने को मिलता है कि नहीं मिलता है बुक शॉप। बाहर निकलते हैं, होंठ सूख गए भाई मेरे, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा गर्मी का क्या सीन है, पानी पीने के बाद भी हाल है बुरा। मैम आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, आई एम सॉरी आई जस्ट हैव टू विजिट द मिनीचर हाउस बिकॉज इट विल गेटिंग क्लोज 6 PM। थैंक यू। 350 मीटर की दूरी दिखा रहा भाई, भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी मिल जाए देखने के लिए। अगर 5 बजे के हिसाब से किया बंद जो कि गूगल पे है तो भाई बेकार जाना, बट एज़ पर द टाइमिंग आई हैव सीन यस्टरडे इट वॉज 6 PM द क्लोजिंग टाइम, सो एज पर द टाइमिंग मैंशन ऑन द वॉल्स ऑफ द मिनीचर हाउस
आई कैन इजली गो एंड विजिट, आई हैव अ टाइम ऑफ 1 आवर्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। भाई गर्मी में दिमाग खराब, आई एम सॉरी, आई हैव टू विजिट द मिनिएचर हाउस, आई हैव ओनली 1 आवर, आई हैव ओनली 1 आवर, सेम टू यू, बाय बाय। शॉर्टकट दिखाते रहो यहाँ से। टूरिस्ट कंपनीज के सेल्समैन हैं वो सारे खड़े रहते हैं, आ जाते हैं प्रमोशन के लिए और बेचने के लिए। मुझे तो कुछ खरीदना है नहीं, ना ही है मेरे पास टाइम है, तो राइट लेना। देख लो भाई, ये पूरा आसपास का है। ओके, मुझे समझ में आ रहा है कहाँ पहुँच गया हूँ। इस फ्रंट फेसिंग कैमरा में थोड़ा बहुत ब्लरीनेस होगा बिकॉज ऑफ सम स्क्रैचेस, बैक साइड कैमरे में नहीं है वो। ओके यार, धूप बहुत है, दिल नहीं कर रहा। अब यहाँ से नीचे जाना है बिकॉज यस्टरडे आई केम फ्रॉम दिस लोकेशन। दिस इज मॉस्क, यहाँ अंदर जा सकते हैं इसके। अब मैं आप करता हूँ क्लोज क्योंकि मुझे मालूम है मैं कहाँ पे हूँ। आगे से लेफ्ट लेना, फिर राइट वाली शॉप है उसी में ही है, मिनिएचर हाउस। तो ये गार्डन है कुछ, बहुत थकान है भाई इतनी धूप में भागना। सो यही है म्यूजियम, 6 बजे तक है, एडमिशन फ्री है, देख लो 11 से 8। और दीज आर ऑल दी मिनिएचर बुक्स, इट इज ओनली इन बाकू। इफ यू सी एनी फेमस बुक, एनी फेमस बुक अगर देखा जाए तो ये पहला एग्जीबिशन, पहला बुक म्यूजियम है जो मिनिएचर्स का ही से बना हुआ है। इसमें हिंदी बुक भी है अपनी जो इंडिया से बिलोंग करती है एंड कुरान भी है। सो लेट्स सी वेयर इट इज़, वी हैव टू सी मिनिएचर। वर्ल्ड की सारी किताबें रखी हैं, अब मोस्टली ये रशियन है। देखो कितनी छोटी छोटी हैं भाई, हाउ मोस्टली रशियन में लिखा हुआ है, यहाँ पे रशियन ही मोस्टली रखी हुई है। यह है कजान की। अब देखिए, अब आप लोगों को क्लियर दिखेगा, मैंने कैमरा साफ कर लिया, अब बैक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अब भाई ये जो साइज़ है ना सबसे छोटे हैं, इसमें नीचे इंग्लिश पता नहीं क्यों नहीं लिख रखा है, अपनी लैंग्वेज में लिख सब कुछ रखे हैं वे लोग, मोस्टली कंट्रीज़ का भी यही हाल है। देखो एक और छोटी सी मिनिएचर, ये और छोटी है ये वाली, ये लाइन से देखकर रखी हुई कितनी छोटी छोटी हैं। देखो मिनी बुक पब्लिश इन लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग एंड कालिनीग्राड। सिल्वर एज ऑफ रशियन पोइट्री का है ये, प्री रेवोल्यूशनरी रशियन मॉस्को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर एंड रशियन फेडरेशन द नेशन एंथम ऑफ द यूएसएसआर, मिनी बुक, ये सारे नेशनल एंथम इसमें मेंशन है। ओके सो ये है कुरान, द रिलीजियस मिनी बुक्स, ये लदे वाली अच्छी लग रही है। और हिंदी देखते हैं, मिनी बुक पब्लिश इन अजरबैजान, ये सारी अजरबैजान की ही पब्लिश हुई। ओ भाई ये तो माइक्रो बुक्स हैं और छोटी हैं पढ़ने में, देखो कितनी छोटी है। ये वाली बॉटल के अंदर भी है ये बुक, उसका केस गजब, वर्ल्ड की सबसे छोटी छोटी हैं। देखो सामने रखी हुई हैं लेदर केसेस, किंग हेनरी, ये अच्छी लग रही है, देखो बुक कितनी प्यारी लग रही है। ये है मिनी बुक्स पब्लिश इन चाइना, ये चाइना की हैं सबसे छोटी। ये थी किसकी, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड द पोलैंड, और ये जॉर्जिया की हैं सारी। मिनी बुक्स पब्लिश इन उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज, कजाक, ताजिक, तुर्की एंड ईरान, एंड ये है अजरबैजान, यूएसए, स्पेन, यूगोस्लाविया, स्लोविया, वियतनाम, जर्मनी, इटली एंड अदर, अदर में कौन है पता नहीं। ओह माय गॉड, दिस इज द मिनी, सबसे दिस इज द स्मॉलेस्ट वन आई गेस। इसकी बाइंडिंग देख रहे हो भाई, गजब है, छोटी सी बुकलेट की बाइंडिंग। एक थी इजिप्ट में, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, क्यूबा, पेरू,
ये सब के हैं। मिनी बॉक्स विजन बल्गेरिया ग्रीस नॉर्वे स्वीडन लग्जमबर्ग फिनलैंड, ये उनकी सारी मिनी बॉक्स है। फिर बाहर निकल कर आपसे बात करता हूँ, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ होंगे तो आपको बता दूँगा। सो एक डिटेल और मिली है, ऊपर की तरफ है अली शमशी के नाम से वर्कशॉप है। सो आई नीड टू बी देयर। बहुत गर्मी है भाई, जूस पी लेते हैं भाई। हाउ मच? बहुत बहुत फाइव फाइव। दिस इज मैंगो, वन ग्लास। ये रास्पबेरी है, मैंगो है, ऑरेंज है, मिक्सअप है, देखते हैं कैसा है। यस दिस वन, पाँच मन्नत का है। कोई नहीं, गर्मी बहुत लग रही है, चाहिए भाई पीने के लिए, पी लेते हैं फिर देखते हैं आगे। तो भाई जिस रूट से मैं गया था उसी रूट पे है, ये सामने की तरफ है। यही है फिलहाल तो, बंद लग रहा है मेरे को भी, यहीं से होकर गया था मैं। इनके आंखों में कुछ मैजिक है, कुछ मिला आपको फोटो खींचने में? क्या मिला आपको फोटो खींचने में? आईज में कुछ शाइन वगैरह आएगा, कुछ आया फर्क? कुछ नहीं, नॉर्मल है ना? नॉर्मल ही है। स्टोर यार क्लोज है, कोई नहीं चलते हैं। अभी जो जा रहे हैं अली हैदर अलीफ के, हैदर अलीफ का जो सेंटर है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस शेप में बना हुआ है, चलते हैं वहाँ पे पैसे एक्सचेंज करने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। देख लो भाई, ये पूरी जितनी भी ना वॉल बनी हुई है टोटल, वो भी दिख रही होगी आपको। बुज़ुर्ग लोग भाई अपना एजेड लोग खेल रहे हैं। एग्ज़िट ले लो या यहीं से क्या? तो देख लो, ये तुम्हारा पूरा निज़ामी स्ट्रीट में ही आता है। जितने भी आस अगल बगल में शॉप है खाने पीने की, सेंटर एरिया वॉक करने के लिए है। सो अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड पे बस लेने के लिए, वो बस लेके जाना है। हैदर अली ईद सेंटर पे जा रहा हूँ, वहाँ रास्ते में मुझे मनी एक्सचेंज मिलेगा तो मनी एक्सचेंज करा लूँगा। बाकी व्यू देख लो पूरा पीछे का, फ्रंट देख लो। एक चीज़ की यहाँ पे बगैर मुझे जो यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छा लगा अभी तक का, हर जगह पे जाओगे गलियों में भी ट्रीज़ लगे हुए हैं ताकि भाई छाँव बनी हुई है, धूप नहीं है। अब ऑलमोस्ट मैं पूरा पैसा खर्च कर, मतलब पूरे पैसे वो करने वाला हूँ चेंज, 100 मन्नत के आसपास है, करीब 5000 रुपये होते हैं वो, और 4 से 5000 मैं खर्च कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल लुक पे जो मैंने खर्च किया फिलहाल अभी। और इसकी अंडर पास सामने से मिलेगी बस, ये पार्क फाउंटेन। जिस दिन थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे ना, बदलाव आएंगे, वो क्या बदलाव आएंगे पता नहीं, जब आएंगे तब मैं बताऊंगा फिर क्या कर चीज़ें और हो सकती हैं। तो ये अंडरपास देख लो, एटीएम मशीन है, वेंडिंग मशीन है। मैंने वो यार जो जूस पिया ना वो बोले थे कि नेचुरल है, बट जब टेस्ट था यार वो पूरा फ्लेवर्ड था, इतना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ टेस्ट का, समझूंगा नहीं कि मैंने पिया नहीं हो कभी। ये रहा बस स्टैंड, यहाँ से निकलने के बाद लेफ्ट में जाना है, ये रही 5 नंबर बस, इसी में जाना है। देख रहा है बैठने जा रहा है, उसके बाद भी नहीं रोका, भगा दिया, और फिर 5 मिनट 5 नंबर बस के लिए वेट करना पड़ेगा। एक मैं ही परेशान हो रखा हूँ पूरे धूप में, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर। देखो मैं वहाँ पे जब आया था तो बैठ के खा रहा था स्टार्टिंग में, जब मुझे मिला नहीं था हॉस्टल, क्योंकि जो ओनर है वो एक नंबर का मुझे गाली देने का मन कर रहा है। उसने ज़रा सा भी लोकेशन सही नहीं डाली है, और जो उसने भेजा भी ज़रा वो लोकेशन अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे है। बस एक ही चीज़ मिली थी, वो बॉस का लोगो था, तो मैं वो देखते देखते ढूंढते ढूंढते पहुंचा था, उसके लोकेशन के साथ से पहुंचे तो फिर जा ही ना पाए वहाँ पे। सो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ लास्ट बस स्टॉप, वो सामने बस दिख रही है वहाँ पे है, और ये सामने हैदर अली ईद सेंटर। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 500-600 रुपये लगेंगे, फालतू का जाने का मतलब नहीं बनता।
बाहर से एक्सप्लोर कर देता हूँ, देख लो। मैं ये सिर्फ स्ट्रक्चर कैप्चर करने के लिए आया था, ये स्ट्रक्चर कैप्चर करके वापस और करेंसी एक्सचेंज करानी है। हाँ, पिकनिक चल रही है। थोड़ा दूर से कैप्चर करेंगे, देखते हैं पूरा फोटो आती है प्रॉपर कि नहीं। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली बुर्ज अल अरब की कॉपी नहीं बना रखी, थोड़ी सी दूर से देखने में लग रहा है। तो ये रही बिल्डिंग, एक ये भी है बगल में, और एक छोटा सा कैफ़े यहाँ पे बीच में दिया है ओपन एयर में। हैदर अली सेंटर, ये ऑडिटोरियम है, आर्ट गैलरी है और म्यूज़ियम, तीनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और ये तुम्हारा, ये राइट वाला तुम्हारा कन्वेंशन सेंटर है ओनली, बस और कुछ नहीं। इसमें तीन चीज़ें हैं, इसमें दो ही, एक ही है सिंगल है। टीटी चल रहा है यहाँ पे। ये होता है यात्रा, शहर को कुछ डेवलप करना पब्लिक के लिए, तो नाउ इट्स बेटर। बैटरीज मेरी कम हो गई थी, बैटरीज मैंने बढ़ा दी है। ये लाइट वगैरह कुछ है नहीं क्रॉस करने के लिए। सुपर बाइक देख लो भाई, ऐसे ही लोग उड़ा रहे हैं कार बाइक सब, मस्त आवाज़ें ऐसी फुल फुल कर रखी हैं, पूछे मत। वो रहा आई लव बाकू, और जो मैं बता रहा था बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग वैसे सिमिलर, और ये रहा आपका मेन स्ट्रक्चर। लोग गाड़ी खींच रहे हैं, दबा के लोग यहाँ पे उड़ा रहे हैं भाई, गाड़ी दबा के एकदम। तो देखो छोटी सी शॉप है, साफ़ सफाई है बगल में, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भाई। वो छोटी सी शॉप भी बहुत प्यारी लग रही देखने में। यही सब चीज़ें मैं अपने देश में मिस करता हूँ, यही है बस। आपका कन्वेंशन सेंटर चले जाओ, या फिर आपको एग्जीबिशन में जाना है और म्यूज़ियम देखना है। इसकी मैंने प्राइस चेक की थी, आई थिंक 15 मन्नत है, 15 मन्नत और समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट थिंक सो वर्थ है वहाँ पर जाना। सो भाई अभी देखो पीछे बस इतनी सारी लाइटें हैं और ज़्यादा लाइट नहीं है, रात हो गई है। और ये भाई मिले, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसीब फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से हैं, मिल गए भाई, बातचीत करते करते वही अकेले घूमने वाला सीन भाई, फ़ोटो खींच दो। वैसे ही मिले एक नीचे मुझे कुवैत के मिले थे भाई साहब, तो उन्होंने बोला फ़ोटो खींच दो मेरी, तो उसके बाद पीछे पीछे ये भी आए भाई भी फ़ोटो खींचने के लिए, तो मैंने भी खिंचवाई है। ऐसे ही भाई फ़ोटो खींचने की मिलती है, इन्होंने फ़ोटो खींची है, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, देखना कैसी फ़ोटो आई है। ये आसपास का देख लो, ये नाइट का व्यू है। ज़्यादा लाइटें नहीं है एज़ कम्पेयर टू दुबई, दुबई की भाई बहुत चकाचौंध है, यहाँ पे नहीं है। और ये सामने दिख रही ना बुर्ज अल अरब, उसकी रेप्लिका काइंड ऑफ बनाया हुआ है। और सामने ही एक तुम्हारा ट्रेन का भी प्लेटफॉर्म दिया, पता नहीं किस चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सिंगल फ्लोर की गई थी, फिर डबल डेकर भी गई है बीच में। तो भाई चलो देखता हूँ अगर, हाँ एक ही बिल्डिंग है देखो बस, ये तो दिवाली की तरह लग रहा है, इंडिया में दिवाली की तरह बहुत लगती हैं ऐसी। सो इन केस अगर मैं जाता हूँ आगे रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं इस बार बोल रहा हूँ वीडियो में, बाकी कभी मैंने बोला नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा लगे फीडबैक शेयर कर देना। बाकी के बारे में कुछ बताना हो जानना हो कमेंट कर देना, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर कर दूँगा, कोई भी हेल्प चाहिए तो। तब तक के लिए बाय बाय।